नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली ड्राइव चैनल। दोस्तों आज का वीडियो जो है स्टीयरिंग से रिलेटेड बनने वाला है, क्योंकि हमें टर्निंग पर जो है अच्छे तरह से स्टीयरिंग के ऊपर ग्रिप करके जो है टर्न करना होता है। और आपका अगर ग्रिप अच्छे से होगा तो आपको स्टीयरिंग का जजमेंट भी अच्छा होगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन तरीके से जो है स्टीयरिंग को टर्न करना होता है, और आपको करना भी चाहिए वैसे। तो पहला वाला जो है हैंड टू हैंड, दूसरा जो है हैंड ओवर हैंड, और तीसरा जो है वन हैंड स्टीयरिंग। वन हैंड स्टीयरिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो उसका जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे कोई नए है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो दोस्तों पहला टेक्निक जो है हैंड टू हैंड, ये हैंड टू हैंड जो है हम जब बिगिनिंग में होते हैं, गाड़ी सीख रहे होते हैं, तब आप जो है इसे यूज कर सकते हैं। हमें दोनों हाथों को जो है 12 क्लॉक के पास में रखना है। फिर उसके बाद में ये जो आपका, आप अगर राइट ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, राइट लेके ये देखिए दोनों हाथों को जो है 6 o'clock के पास में जॉइंट करना है। फिर बाद में जो है दोनों हाथों को फिर से 12 o'clock के पास लेके आना है, फिर से जो है दोनों 6 o'clock। तो ये हो गया आपका फुल टर्न। फिर बाद में आपको सीधा करने के लिए आपके दोनों हाथ अगर 6 o'clock के पास में, फिर सेम ऐसे सिर्फ उल्टा करना है आपको। तब हम राइट टर्न करने के लिए राइट हैंड को जो खींच के हम 6 o'clock के पास ला रहे थे, फिर से हमें जो उल्टा करना है, उल्टा करने के लिए फिर से 6 o'clock से ऐसे 12 o'clock के पास जो है जॉइंट करना है ऐसे ऐसे। फिर आते हैं दोस्तों हम सेकंड टेक्निक पर। सेकंड टेक्निक के लिए आपको जो है स्टीयरिंग को यहाँ पर ये 2 o'clock और ये 10 o'clock के आसपास में पकड़ना है। फिर बाद में आपको अभी लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न लेने के लिए क्या करना है, ये जो राइट हैंड है इसको बिना छोड़े जो है आपको नीचे करना है, नीचे की तरफ। फिर उसके बाद में ये वाला लेफ्ट हैंड जो है यहाँ पर ऐसे पकड़कर आपको जो है टर्न करना है, स्टीयरिंग को सीधा करना है या राइट में लेना है, तब भी आपको आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड को जो है यहाँ पर नीचे लेना है, फिर ये राइट हैंड को जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये देखिए ऐसे ऐसे आप करेंगे तो ये हो गया हैंड ओवर हैंड। फिर आते हैं लास्ट टेक्निक के पास, ये आपको सिंगल हैंड, सिंगल हैंड जैसे अभी एक प्रो ड्राइवर जैसे घुमाते वैसे, अभी एक हाथ साइड में रहता है और लेफ्ट टर्न करने का तो बस ऐसे करना है, फिर राइट टर्न करने का तो ऐसे करना है, हैंड टू हैंड। उसे आप ट्राई कीजिए, आपको बेटर रहेगा अगर स्टार्टिंग में आप अगर सीख रहे हैं तो। तो इसे मैं अभी तीन टेक्निक को जो है मैं अभी रोड पर जो है आपको ट्राई करके बताऊंगा कैसे टर्न करना होता है। तो पहले हम यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं। लेफ्ट लेने के लिए मैंने दोनों हाथों को जो है 12 o'clock के आसपास में रखा है। फिर उसके बाद में लेफ्ट का इंडिकेटर देकर ये देखिए 6 o'clock, फिर से 12 o'clock, बस यहाँ तक। फिर उसके बाद में सीधा करने के लिए भी ऐसी थोड़ा जल्दी में हो गया। अभी मैं राइट टर्न के वक्त राइट टर्न करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये जो प्रोसीजर है हैंड टू हैंड, ये थोड़ा स्लो है पर अच्छा है, सेफ है। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्रिप है वो पकड़ा रहेगा। तो अभी मैं यहाँ से राइट ले लेता हूँ। राइट लेने के लिए मैं फिर से मेरे हाथों को जो है 12 o'clock लेकर इंडिकेटर देकर ये देखिए 6 o'clock, फिर से 12 o'clock, बस यहाँ तक मुझे ज़रूरत थी, फिर से ये देखिए हो गया सीधा। तो ये एकदम सेफ है, स्टीयरिंग जो है आपके कंट्रोल में रहेगा। फिर दूसरा जो है हैंड ओवर हैंड, हैंड ओवर हैंड के लिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ये देखिए अभी ये लेफ्ट हैंड के लिए मेरा लेफ्ट हैंड जो है इसे कर ये देखिए ये हो गया, बस यहाँ तक, बस इतना ही मुझे टर्न करना था, ये देखिए। जैसे ही आपका जो अगर लेफ्ट कर रहे हैं तो ये हाथ जैसे नीचे जाता है तो दूसरा हाथ जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसे जो है आपको पूरा टर्न मारने के लिए मिल जाएगा, ये देखिए। जैसे अभी मेरा राइट हैंड जो है नीचे की तरफ जाता है तो दूसरा हाथ जो है रेडी में हो जाता है मुझे फिर से खींचने के लिए, अगर ज्यादा टर्न मारना हो तो। तो जैसे कि अभी एक यहाँ पर एक छोटी गली आएगी, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे अगर मुझे ज्यादा टर्न मारना है तो क्या करना पड़ेगा। पहले इंडिकेटर देके रखता हूँ, फिर गियर, ये देखिए बस हैंड ओवर हैंड। तो आप ऐसे भी टर्न कर सकते हैं। फिर तीसरा जो टेक्निक है वो तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर जो है एक वीडियो में बना चुका हूँ, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा
अभी राइट का इंडिकेटर, एक हाथ सिंगल हैंड, ये देखिए ये ऐसे सिंगल हैंड से जो है चलाने में इजी है। आप अगर सीख रहे नए ड्राइवर है तो वो ऐसे हैंड टू हैंड ट्राई कीजिए, ये देखिए सेफ है, एकदम सेफ है ऐसे। फिर उसके बाद में बस सीधा कर दिया, हो गया हैंड ओवर हैंड, ये हाथ नीचे गया, ये हाथ यहाँ पर आया, ये देखिए हो गया टर्न। फिर से ये हाथ छोड़ दिया, फिर ये हाथ को जो है जहाँ पर था वहाँ पर लेके आया, ये हो गया हैंड ओवर हैंड।